हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कीर्ति, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यू कैन से द क्वेश्चंस गिवन बाय CBSE। ओके, आप देख सकते हो वेदांतु की वेबसाइट पर विजिट करके मैंने निकाले हैं, बट आई हैव रीड ऑल द क्वेश्चन। दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इससे बाहर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब अधिकतर कंसेप्ट इसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑल क्वेश्चंस आर कवर्ड। ओके, सो फर्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव नेचर इन इकोनॉमिक्स। मींस आपने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी ना, तो इन स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि कौन सी नॉर्मेटिव इकोनॉमी की है या नहीं, मतलब कौन सी है। तो फर्स्ट इज, इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ चॉइस एंड ऑल्टरनेटिव्स। कि नॉर्मेटिव इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें हम चॉइस और डिफरेंट यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। या फिर गवर्नमेंट शुड बी कंसर्न्ड विद हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर इस नॉर्मेटिव इकोनॉमी में हम ये पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट कंसर्न करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हटाया जाए। क्लियर, कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हटाया जाए। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, इन स्पाइट ऑफ सेवर स्टोरेज, मोर देन 10% ऑफ आर हाउसेज इन द इंडियन सोसाइटीज आर लाइंग वैकेंट। मतलब ये देखा जाता है कि एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कि कितने हाउसेज में किस चीज़ की वो है वैकेंट, आप बोल सकते हो, मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है या फिर किस चीज़ की कमी है। और अकोमोडेशन ऑफ रिफ्यूजेज इन पोजिंग अ बिग प्रॉब्लम ऑफ फॉर द यूरोप। कि यूरोप में क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब एक कंट्री में क्या प्रॉब्लम है, एक एग्जाम्पल गिवन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ चॉइस एंड ऑल्टरनेटिव्स। मीन्स नॉर्मेटिव इकोनॉमी में हम चॉइस के बारे में डिस्कस करते हैं और उस और किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज के कितने ऑल्टरनेटिव यूज़ हो सकते हैं। लेट मी रिकॉल यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जिन्होंने मतलब नहीं पढ़ाया तो उनको भी इस वीडियो से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, मीन्स जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक को फॉलो करते हैं, तो वो ना ये रियलिटी को नहीं देखते, वो खुद के ओपिनियंस देते हैं। जैसे कि आज के टाइम में आप कह सकते हो कि प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि प्राइस बढ़ रहे हैं, वो अपने ओपिनियन देंगे कि एजुकेशन को फ्री करा दिया जाए या फिर पेट्रोलियम का दाम कम कर दिया जाए। तो ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट इज, अ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज शोन ऑन PP बाय फ्रेंड्स, दैट इज़ नॉट PP, दैट इज़ PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो लेट्स रिपीट द क्वेश्चन, अ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज शोन ऑन PPC बाय। मीन्स अगर हमें दिखाना है PPC में, PPC ग्राम में हमें दिखाना है कि जो रिसोर्सेज का प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, तो PPC कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब बताओ कैसे, लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड। येस, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हम वीट का प्रोडक्शन दिखा रहे हैं एंड राइस का प्रोडक्शन दिखा रहे हैं। क्लियर, तो आप ये समझो कि यहाँ पे हम राइस और वीट का भी एग्जांपल लेते हैं। आप सिंपल समझिए, जैसे PPC का ग्राफ है एंड उस पर कोई पॉइंट यहाँ पे डिनोट के रखा है, दैट इज पॉइंट ए। क्लियर, एंड एक पॉइंट है यहाँ पे PPC के लेफ्ट साइड, दैट इज पॉइंट बी, एंड एक है PPC के अपर साइड राइट साइड, दैट इज पॉइंट डी। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ए क्या डिनोट कर रहा है, सो पॉइंट ए इज डिनोटिंग दैट रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। मींस अगर PPC के ग्राफ पे कोई पॉइंट आता है, मींस आई एम ओनली जस्ट गिविंग द एग्जांपल दैट दैट इज पॉइंट ए, दैट कैन बी एनी पॉइंट। ओके, कोई भी नेम आ सकता है पॉइंट का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि PPC के ऊपर जो पॉइंट है वो क्या डिनोट करता है, तो वो डिनोट करता है दैट रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, मतलब जो रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हो जाते हैं ना, वही पॉइंट PPC के ग्राफ के ऊपर आता है। एंड जो लेफ्ट साइड होता है, दैट पॉइंट इज डिनोटिंग दैट रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइजेशन। मीन्स रिसोर्सेज का जिस तरीके से इफिशियंटली यूज़ करना चाहिए उस तरीके से हमने यूज़ नहीं किया है। एंड जो पॉइंट डी है, मीन्स उसके राइट साइड, तो वो डिनोट कर रहा है कि अटेनेबल कंडीशन, या फिर आप बोल सकते अनअटेनेबल कंडीशन, मतलब एक ऐसी कंडीशन जो कभी फुलफिल नहीं हो सकती। मीन्स टू से दैट, मतलब हमने इतना ज़्यादा ओवर यूज़ करना रिसोर्सेज, आप कह सकते हो, मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो कि ए पे क्या है, फुली यूटिलाइजेशन है, बट अगर उससे भी ऊपर जा रहा है, मतलब और भी, मतलब पता नहीं क्या इफिशियंट ऐसा
यूज़ करना रिसोर्सेज का, मतलब जब फुली यूटिलाइज तो ए पे हो रहा है, अब उससे भी ऊपर जाना मतलब वो कंडीशन तो फुलफ़िल नहीं हो सकती है। फिर आप कह सकते हो जब रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा इफ़िशेंटली यूज़ किया जाए तो दैट्स कम अंडर राइट साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसमें पूछा गया है कि राइट वो अगर रिसोर्सेज को हम बढ़ा दें तो कहाँ पे शिफ्ट होगा, तो राइट साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड कौन सा शिफ्ट होता है, जब रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज नहीं होता, व्हेन रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइजेशन मीन्स फुली यूटिलाइज नहीं किया। सो द आंसर इज इट विल शिफ्ट टू राइट साइड। फ्रेंड्स वी हैव लेफ्ट द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज डिफाइन स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो स्कैरसिटी क्या होती है, स्कैरसिटी एक ऐसी सिचुएशन है जब डिमांड ऑफ रिसोर्सेज आर मोर देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज या फिर सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स टू से दैट कि सपोज यू आर हैविंग अ पीस ऑफ आयरन, ठीक है, अब आप उस पीस ऑफ, या चलिए आयरन भी छोड़िए, यू आर हैविंग अ पीस ऑफ लैंड, तो आप उस लैंड पे प्लेग्राउंड भी बना सकते हो, हॉस्पिटल बना सकते हो, उसे रेंट पे भी दे सकते हो, या फिर आप उसमें चाहे तो क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, ओके। बट आप एक ही काम कर सकते हो बिकॉज यू आर हैविंग अ सिंगल पीस ऑफ लैंड, ठीक है, तो मीन्स आपके पास रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा है, मतलब कोई कह रहा है आपको क्रॉप्स ग्रो करो और कोई आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं हॉस्पिटल बनवाओ उस पर, ठीक है, तो मीन्स डिमांड ऑफ रिसोर्सेज आर मोर देन बट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर लेस, सो दैट सिचुएशन इज नोन एज स्कैरसिटी। हेयर यू कैन से दैट, हेयर यू कैन सी दैट स्कैरसिटी रेफर्स टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड, कि अगर डिमांड से रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को कंपेयर करें तो अवेलेबिलिटी कम है और डिमांड ज़्यादा है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज नेम द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि इकोनॉमिक की कोई 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स बताओ, कोई क्या 3 ही होती है, सो दीज आर वॉट शुड बी प्रोड्यूस या फिर वॉट टू प्रोड्यूस, कन्फ्यूज मत होना, वॉट टू प्रोड्यूस या इसका मतलब क्या प्रोड्यूस किया जाए। सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस, कि अगर पता चल गया एक बार कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, फिर आती है माइंड में प्रॉब्लम कि अब कैसे प्रोड्यूस किया जाए उसको, मतलब पहले तो हमने सोचा कि क्या प्रोड्यूस करें, कौन एक रिसोर्स से क्या प्रोडक्ट बनाएं, फिर पता चल गया कि हमें ये बनाना है, फिर हमारी माइंड में कन्फ्यूजन आई कि वो किस टेक्निक से बनाएं, मीन्स हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, अब ये भी पता चल गया कि हाउ टू प्रोड्यूस की कैसे बनाएं। नाउ द प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि अब किसके लिए बनाएं, अब किसके लिए बनाएं का मतलब यह है फ्रेंड्स कि जो मतलब आपके पास कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिससे एसी बन सकते हैं, फ़ैन भी बन सकता है, ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि एसी बनानी है, फ़ैन बनाने हैं, ठीक है, फिर आपको टेक्निक भी पता चल गई कि कैसे बनाने हैं, अब आप सोचोगे कि इनमें से क्या बनाया जाए, क्योंकि फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब जो एसी है वो रिच पीपल खरीदेंगे बट जो फ़ैन है वो ओल्ड पीपल विल बाय, ओके, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट इज़ मीन्ड बाय इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, तो ये क्वेश्चन देख के कुछ फ्रेंड्स डर गए होंगे कि नहीं और ये तो हमने पढ़ा ही नहीं सिलेबस में, कहाँ था ये, अब अगर ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो हमारा क्या होगा, तो ये कोई डिफरेंट टर्म नहीं है, सिर्फ वर्ड ही डिफरेंट है। तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यही होता है कि किसी एक रिसोर्स का बेस्ट यूज़ करना, किसी एक रिसोर्स का ही बेस्ट यूज़ करना। देखो इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मींस मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग का मतलब ये है जो रिसोर्सेज हमारे पास है, मतलब आपके पास 1 लीटर ऑफ मिल्क है तो आप उसका ही बेस्ट यूज़ करो, इफेक्टिव एंड ऑल्टरनेट मतलब उसका ही आप बेस्ट यूज़ करोगे तो वो होता है इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर, ऐसा नहीं कि आप रो रहे हो नहीं भाई 2 लीटर दो हमें मिल्क जब ही चलेगा काम, तो जितना रिसोर्स है उसी से ही उसका बेस्ट यूज़ करना, दैट इज़ इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, इज इट क्लियर। नेक्स्ट वन इज डिफाइन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक खुद आ गई है कि मुझे नहीं समझा रहे थे तुम लोग, मैं खुद ही आ गई, सो लेट्स रीड द डेफिनेशन। नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमीज दैट स्टडीड हाउ एन इकोनॉमी शुड बी फंक्शन अंडर आइडियल कंडीशंस, इट इज फोकस ऑन वॉट ओट टू बी एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ ये, फॉर एग्जाम्पल्स वेयर वी वर सब्सिडीज शुड बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स एटसेट्रा। अब देखो ये जो इतना भी इतना घपला घुपला हमने पढ़ा तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो देखो यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिया गया है, दैट वॉट ओट टू बी मीन्स नॉर्मेटिव इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें ये फोकस किया जाता है कि वॉट ओट टू बी, वॉट आउट टू बी, दैट इज वॉट आउट नहीं, दैट इज ओट टू बी, क्लियर।
कि इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, डोंट बी कन्फ्यूज, डोंट बी पैनिक, इसका मतलब ये है सिंपली कि नॉर्मेटिव इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें रियलिटी को नहीं देखा जाता, रियलिटी को नहीं देखा जाता, बल्कि अपने ओपिनियंस देते हैं लोग। जैसे कि अगर आप पॉजिटिव इकोनॉमी की बात करो तो उसमें लोग रियलिटी पर फोकस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दिया था कि नॉन पॉजिटिव इकोनॉमी में क्या बोला जाएगा कि प्राइस हैव बीन राइजिंग, कि प्राइस बढ़ रहे हैं, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमी वाले लोग रियलिटी को नहीं देखते, फालतू के डिबेट्स करते रहते हैं अपनी आइडियाज़ पर, अपने ओपिनियंस पर। तो वो क्या कहेंगे, एजुकेशन को फ्री कर दो, प्राइस कम हो जाएगा। अब पॉजिटिव इकोनॉमी वालों ने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत हो रही है, ठीक है, ये रियलिटी है, बट नॉर्मेटिव वाले क्या कहेंगे कि रिच पीपल पे टैक्सेस बढ़ा दो, ठीक है, या फिर इस कॉमोडिटी को यहाँ से निकाल दो। मतलब अपने ओपिनियन दे रहे हैं, रियलिटी को नहीं देख रहे हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक एक एग्जाम्पल देना है। सो देखिए, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर मैं आपको समझाने बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक क्विक रिविजन इसका ले लेते हैं। आप इतना समझिए बस, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो पूरी कंट्री की इकोनॉमी को स्टडी करती है, मींस पूरी कंट्री में चल क्या रहा है, नेशनल इनकम को, ठीक है। वेयर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, स्मॉल, सिर्फ आप समझ लो स्मॉल एरिया के लिए होती है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए होती है। अब ये मत समझो कि एक इंडिविजुअल तो एक एक बंदे के लिए अलग अलग माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी, नहीं, आप कह सकते हो पर्टिकुलर स्टेट के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेगी कि पूरी कंट्री में किस चीज़ की कमी है, कौन सा गुड प्रोड्यूस करें। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स सपोज बिहार की है, तो बिहार में थिंक दैट देर इज़ अ नीड ऑफ व्हीट, ओके, एंड वेयर एज देर इज़ अ नीड ऑफ राइस इन राजस्थान। तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बिहार के है, तो वो देखेगी बिहार में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता राजस्थान में किस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। तो बट मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी कंट्री के लेके चलना होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एग्जांपल क्या गिवन है। इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई आर टू इंस्टेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट को, एक पर्टिकुलर एरिया को किस चीज़ की डिमांड है और क्या वहाँ पे सप्लाई करना चाहिए, वो देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब द वर्ड एग्रीगेट मीन्स यू कैन से पूरा, ओके, मीन्स सारा का सारा, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब होता है मीन्स पूरा का पूरा, मतलब पूरी कंट्री की डिमांड देखती है वो और फिर पूरी कंट्री में ही वो सप्लाई करती है, तो दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, एज आई एम डूइंग हार्ड वर्क, सो आई होप दैट माई वीडियोज़ आर हेल्पिंग टू यू। इन माई मैनी प्रीवियस वीडियो आई हैवंट से एनीथिंग दैट प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, बट इन दिस वीडियो आई एम सेइंग यू, सो प्लीज़ हेल्प मी फ्रेंड्स, प्लीज़। आई एम नॉट सेइंग दैट लाइक माई वीडियो, बट प्लीज़ कमेंट, ओके, कि आपको अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट करो, बुरी लगी तो बुरा भी कमेंट करो, तो भाई मतलब मैं अपने आपको इम्प्रूव करूँगी ना। एंड द मेन थिंग, शेयर करो फ्रेंड्स, आई डोंट वॉन्ट एनी लाइक, आई जस्ट वॉन्ट व्यूज एंड कमेंट्स, सो आई होप दैट माई फ्रेंड्स विल हेल्प मी, ओके। गायब हो गया था PDF। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वॉट डज अ पॉइंट इन साइड द PPC इंडिकेट, कि अगर कोई पॉइंट PPC के अंदर है, ये तो हम फ्रेंड्स डिस्कस कर चुके हैं। PPC के अंदर मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट डी है। मतलब अगर हम अपनी लैंग्वेज से समझे तो ये पूछ रहे हैं कि अगर पॉइंट, जो पॉइंट बी है वो क्या डिनोट कर रहा है, मतलब जो PPC के अंदर पॉइंट आ जाता है वो क्या डिनोट करता है। तो मैंने आपको बताया था, मीन्स इट डिनोटिंग अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स जिस तरीके से, जिस इफेक्टिव वे से रिसोर्सेज का यूज़ होना चाहिए था उस टाइप से हुआ नहीं, मतलब वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुए। तो इनकी भी लैंग्वेज पढ़ लो यार किताबों वालों की। अ पॉइंट इनसाइड द PPC इंडिकेट्स रिसोर्स अंडर यूटिलाइजेशन, क्लियर। नेक्स्ट, डिफाइन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, थिंकिंग दैट व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है भाई MRT, और इसको ही हम MRC कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके, तो बोथ आर सेम। सो क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका मतलब ये है बेसिकली, मतलब ये एक ऐसा रेट है, एक ऐसा रेट जिस पर आप कह सकते हो कि आपके पास जस्ट सपोज 2 कमोडिटी है, ठीक है, आपने एक रिसोर्स से आपने 2 गुड्स बनाए, गुड वाई एंड गुड एक्स। तो इसका मतलब ये है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर आपको एक गुड बढ़ाना है, अगर आपको गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आपको गुड वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स रीड द लैंग्वेज,
MRT means marginal rate of transformation is the ratio of units of one good that are sacrificed in order to create one more unit of another good. Means ये क्या है, ये एक ratio है units का. क्या है ये? Ratio है units का. Sorry friends, I haven't used this word ratio. Now I'm telling you, ये word बहुत important है, आपको लिखना पड़ेगा. क्योंकि जिन friends ने numericals करे हैं तो उन्हें तो पता होगा कि of course it is the ratio. Okay? रेशो कैसे है वो आगे डिस्कस करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में. ओके, सो एमआरटी इज़ द रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ वन गुड दैट आर सेक्रीफाइस्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड. मीन्स एक यूनिट का रेशो जो हमने सेक्रीफाइस की है एक गुड की दूसरे गुड की एक यूनिट बढ़ाने के लिए. सपोज हमने, आप बोल सकते हो कि एक ऐसा यूनिट का रेशो जो हमने गुड एक्स की सेक्रीफाइस की है गुड वाई का एक यूनिट बढ़ाने के लिए. इज इट क्लियर? Move on to the next. What is opportunity cost? So, बहुत सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है बट बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए. इट इज़ द एक्सपेंस ऑफ फॉर गोइंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़. मीन्स आप बोल सकते हो कि एक हमने कोई पर्टिकुलर गुड का प्रोडक्शन किया तो उसका और बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज जो हो सकता है और उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो दैट्स इनफ टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक. कम ऑन टू द नेक्स्ट. द बेसिक अजप्शंस रिगार्डिंग रिसोर्सेज वाइल ड्राइंग अ PPC इज. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन MCQs में गिवन है बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि राइट द अजप्शंस वी हैव टू फॉलो वाइल वी आर ड्राइंग अ PPC. अजप्शंस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब हम PPC को ड्रॉ करते हैं, PPC के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या मतलब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें ही उसमें ड्रॉ हो सकती है. ठीक है, सो लेट्स रीड. फर्स्ट पॉइंट इज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड. मीन्स PPC को ड्रॉ करते हुए हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने चाहिए. तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है फ्रेंड्स, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन ये होती है दैट रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड. मीन्स जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज है बस वही ही रिसोर्सेज होना चाहिए, तभी तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. अगर अनलिमिटेड कह दिया किसी ने कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, PPC ड्रॉ करो. अब अनलिमिटेड है तो कितने हैं भाई, हमें तो नहीं पता ना, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हमें ये नहीं पता कि कौन सा कितने रिसोर्स हैं. अब जब ये नहीं पता कि रिसोर्स कितना है तो यही नहीं पता चलेगा कि कितना गुड बनेगा. क्लियर? नेक्स्ट, रिसोर्सेज डिपेंड ऑन काइंड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस. कि किस तरीके का गुड हम बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए रिसोर्स. ऐसा कुछ नहीं है, रिसोर्स हमारे पास होना चाहिए फिर हम डिसाइड करेंगे क्या गुड बनाना है. क्लियर? रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अ पर्टिकुलर यूज. कि रिसोर्सेज का एक पर्टिकुलर यूज हो सकता है, भाई दो गुड्स बना रहे हैं तो ये तो रॉन्ग ही है. रिसोर्सेज आर कॉन्स्टेंट एंड गिवन. अब देखो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी, रिसोर्सेज आर कॉन्स्टेंट एंड गिवन. मींस हमारे पास कोई रिसोर्स होना चाहिए, मतलब जो हमें रिसोर्सेज दिया गया है ना तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास वो कितना रिसोर्स है. जैसे कि हमारे पास 1 लीटर ऑफ मिल्क है, अगर आपको दे दिया जाए कि आपके पास मिल्क है, आपको कहा कि आपके पास मिल्क है, अब चलो इससे कर्ड भी बनाओ, वो भी बनाओ, वो बना, अब हमें पता ही नहीं हमारे पास मिल्क कितना है, तो हम कैसे पता करेंगे कि हम कर्ड भी बना सकते हैं, इससे पनीर भी बना सकते हैं साथ में या नहीं. सो मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट होने चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज गिवन होने चाहिए, जब भी तो पता लगाएंगे कि गुड एक्स कितना प्रोड्यूस होगा और गुड वाई होगा भी या नहीं होगा. So I hope this is clear to you. Move on to the next question, number 12. What is the other name for opportunity cost in economics? तो देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और क्या कहा जाता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो सिंपल वर्ड है बट इसे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक कॉस्ट कहा जाता है. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मत लिख के आ जाना, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी फ्रेंड्स, कि जो हमने एक रिसोर्स लिया है उसका ऑल्टरनेटिव यूज करके जो उसकी कॉस्ट आ रही है. और अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि कितनी यूनिट्स ऐड की गई. ठीक है, तो उसको टोटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट या इकोनॉमिक प्रॉब्लम मत लिखाना, दैट इज द इकोनॉमिक कॉस्ट. नेक्स्ट वन इज इन अ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सोल्व बाय. अब सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है तो प्रॉब्लम किसके द्वारा सॉल्व होगी, ऑफकोर्स बाय द गवर्नमेंट. अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं दिया गया है. अब देखो सप्लाई ऑफ गुड्स, डिमांड ऑफ गुड्स, मार्केट मैकेनिज्म, प्लानिंग अथॉरिटी. भाई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है तो प्लानिंग अथॉरिटी ही इसको क्या करेगी मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी. अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना टीचर जान पूछ के देते हैं ताकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाए. तो सप्लाई ऑफ गुड और डिमांड ऑफ गुड ये कोई बंदे हैं क्या जो सॉल्व करेंगे, तो ये तो कट ही हो गया. मार्केट मैकेनिज्म, अब प्लान्ड इकोनॉमी है, मार्केट वाली इकोनॉमी प्लान्ड नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना. सो आंसर इज प्लानिंग अथॉरिटी. इन अ मार्केट इकोनॉमी द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व मार्केट मैकेनिज्म, वेरी सिंपल. द स्टडी ऑफ द जूट इंडस्ट्री
इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडस्ट्री, द स्टेटमेंट इज, अब बतानी है कि जो जूट इंडस्ट्री है क्या वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडस्ट्री है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है या नहीं। तो हमने क्या डिस्कस किया था, मैक्रो इकोनॉमिक वो होते हैं जो पूरी कंट्री के बारे में देखते हैं। तो जूट, आई थिंक आई हैवंट स्टडी अबाउट दिस, बट आई थिंक दैट जूट इज़ अ, आप कह सकते हो कि जूट मतलब नेशनल इंडस्ट्री होगी कोई, है ना, इसीलिए तो इस स्टेटमेंट को नो फॉल्स बताया गया है। तो यू कैन से जूट जो इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आती है एंड वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगी, ठीक है। आप कह सकते हो कि जहाँ पे जूट बनता होगा तो जहाँ पे जूट पाया जाता होगा उसी स्टेट में वहाँ से हम लोग खरीदते हैं, मतलब पूरी कंट्री के लिए नहीं है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में, बिकॉज यार हमें पता ही नहीं है जूट कैसी इंडस्ट्री है, कॉटन कैसी इंडस्ट्री है, हमें क्या पता है यार, कन्फ्यूज मत हो ना। अब आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट इज, डू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट द पीपीसी टू द लेफ्ट, कि अगर थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, तो क्या पीपीसी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, बताओ। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी कब होगी, जब हम रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तभी तो बेरोजगारी होगी ना, ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि जब हम रिसोर्सेज का इफिशियंट यूज़ नहीं करते तो लेफ्ट साइड आ जाता है, ठीक है। तो लेट्स रीड, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय inefficient resource use which does not reduce the economic capacity to produce. As a result, there is no shift in PPC. Due to resource underutilization, the economy operate within the PPC. So friends, I'm just sorry and just wait for a while because this question is confusing. Either there is no problem in question or in the answer. If you people got to know, so please comment me. Otherwise, I will tell it in the next video. So अभी के लिए ये answer भी आप learn मत कीजिए, okay? हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, सॉरी फॉर दैट इनकन्वेंस फ्रेंड्स। फ्रॉम द फॉलोइंग पीपी, यार देखो सारी जगह पीपी लिखा हुआ है, पीपीसी शेड्यूल कैलकुलेट एमआरटी ऑफ गुड एक्स, मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया गया, कॉमोडिटी दी गई है ए बी सी डी ई, ठीक है, और फिर हमें दिया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स में जो यूनिट्स है वो 0, 1, 2, 3, 4 इंक्रीज हो रही है और प्रोडक्शन गुड वाई में डिक्रीज हो रही है। तो अब हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। वी हैव टू मेक ग्राफ, नो वी हैव नॉट टू मेक ग्राफ, वी हैव टू कैलकुलेट द एमआरटी। तो एमआरटी कैलकुलेशन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एमआरटी। सो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए जो फर्स्ट है, जहाँ पे एमआरटी के नीचे जो फर्स्ट ब्लॉक है वहाँ वो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो हम सबको ऐसे ब्लैंक ही छोड़ना होता है, ठीक है। वो अब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी न्यूमेरिकल्स की, उसमें आप सही से देख लेना, बिकॉज अभी अब व्हाइट बोर्ड में जाने में बहुत टाइम लगता है। तो नेक्स्ट आता है, अब देखो, अब आपको देखना 0 से 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ, टेल मी हाउ मच डिफरेंस, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ 1। एंड 14 से 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है, उसमें भी 1 का है, तो 1/1 करोगे तो क्या आएगा, 1:1, ठीक है। फिर 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का, एंड 13 एंड 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, सो दैट विल बी 2/1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2:1। क्लियर, इज इट क्लियर फ्रेंड्स। अब देखो, अब ये मत सोचना कि 2 नीचे क्यों नहीं आया, ऊपर क्यों आया, देखो ऊपर लिखा है कि, ऊपर लिखा है क्या, ये फॉर्मूला होता है एमआरटी का, दैट गुड वाई का जो प्रोडक्शन हुआ है, गुड वाई में जो लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस इन गुड वाई इज डिवाइडेड बाय गेन इन गुड एक्स, ठीक है। तो गुड वाई पहले आएगा, गुड एक्स बाद में आएगा, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस रेफर टू, मतलब फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका मतलब क्या है, द इशू फॉर होम टू प्रोड्यूस रेफर टू द सिलेक्शन ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। मींस देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस में किसका सिलेक्शन होता है, गुड्स का, सॉरी रिसोर्सेज से क्या गुड बनाया जाए, ठीक है, और हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक्स का सिलेक्शन होता है, वेयर एज होम टू प्रोड्यूस में पीपल का सिलेक्शन होता है कि इस गुड को कंज्यूम कौन करेगा, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन एवरी इकोनॉमी, नो सोसाइटी कैन मीट ऑल द सिटीजन्स डिजायर, मतलब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास और हम हर एक बंदे की हर एक डिजायर को पूरा नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और यू कैन से देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्लियर। तो फिर वो सोचते हैं कि कौन सा गुड ज़्यादा पीपल खरीदेंगे, तो वो वही गुड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एज द रिजल्ट अ चॉइस प्रॉब्लम अराइजेस, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस इज असेंशियली कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, कि मतलब वो देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा ऐसा गुड प्रोड्यूस किया जाए जो सबके लिए यूजफुल हो, क्योंकि भाई अगर महंगे महंगे गुड्स बना देंगे वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमेशन के लिए, जैसे मार्केट इकोनॉमी करती है,
तो ऐसे तो भाई सबकी डिज़ायर तो पूरी होगी नहीं, वैसे तो होती ही नहीं है, मतलब फिर भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो मिलना चाहिए ना, क्लियर। अब देखो यहाँ पे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, क्योंकि इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है फॉर रूम टू प्रोड्यूस में। एक होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें इसमें पता क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर गुड को कितने रिच पीपल खरीदेंगे, कितने पुअर पीपल खरीदेंगे, ठीक है। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखा जाता है, इट इंटेल्स डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्शन फैक्टर्स इन द कंट्रीज टोटल नेशनल प्रोडक्ट, कि अगर पूरी कंट्री में गुड्स इस गुड को बेचा जाए तो कितने पीपल खरीदेंगे इसको, ये नहीं देखेंगे रिच खरीदेंगे पुअर। तो मतलब अगर हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो या तो सारे गुड पुअर के लिए बनेंगे, या सारे गुड रिच के लिए बनेंगे, या फिर सारे गुड मिडिल क्लास के लिए बनेंगे। बट फंक्शनल पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है ऐसा। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पूरी कंट्री को देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर गुड अगर हम बना रहे हैं तो पूरी कंट्री में कितने लोग इसको खरीदेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे फर्स्ट वन टू एंड देर आर आई थिंक हाउ मैनी, लेट्स चेक, देर आर टोटल 24 एंड वी आर ऑन 19। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई रियली रियली डू टू मच हार्ड वर्क फॉर यू, ओके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। अनटिल देन थैंक यू सो मच।